हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं चैप्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज को डिस्कस किया। वर्नर थ्योरी डिस्कस की बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी वीबीटी की, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, वीबीटी की कुछ लिमिटेशंस, वीबीटी की क्या लिमिटेशंस होती हैं, किस वजह से वीबीटी जो है वो कंप्लीट नहीं होता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को समझाने में, कहाँ वो क्या होता है फेल हो जाता है बच्चों। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम लोग पढ़ के आए थे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें डायग्राम के थ्रू इजीली एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरह से डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपने सिंपल ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाते हैं। हमने देखा डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, टूट जाता है वो, और टूटने के बाद अपन को किस तरह के कंपाउंड देता है, और स्प्लिटिंग के बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं और हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, वो भी हम सारा डिस्कस करके आए थे बच्चों। अब यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग, कल हमने यही डिस्कस किया था कि आपने देखा कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसका वैल्यू और पेयरिंग एनर्जी, या तो स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा या पेयरिंग एनर्जी का ज़्यादा होगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है इट मीन्स क्या होता है बच्चों, पेयरिंग नहीं होती है। बात समझ में आई? अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर वालों में चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में रहेंगे। और ऐसा कब होता है बच्चों, जब वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो। हम लोगों ने देखे थे लिगेंड भी दो टाइप के देखे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड देखे थे बच्चों। तो यहाँ पर भी वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू कम हो जाता है, एनर्जी गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली ऊपर वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो सकता है। बात समझ में आ गई? इन्हीं डी ऑर्बिटल के पांच ऑर्बिटल थे, डी ऑर्बिटल के अंदर पांच शेल्स थी, जिनको हम क्या करते हैं बच्चों, टू और थ्री के सेट में डिवाइड कर देते हैं। थ्री वाले जो होते हैं वो लोअर एनर्जी वाले, और टू वाले जो होते हैं वो हाइयर एनर्जी वाले। कल ही हमने डिस्कस किया था कि डी ऑर्बिटल जो होता है बच्चों, वो अपने क्या होता है, पाँच तीन नीचे और दो वालों में ऊपर वाले ऑर्बिटल में टूट जाता है, जिसको अपन नीचे वाले को टी टू जी कहते हैं और ऊपर वाले को क्या कहते हैं बच्चों, ई जी कहते हैं। और ये डी के पांच ऑर्बिटल यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टी टू जी वाला नीचे एनर्जी है, लोअर एनर्जी है, ये वाला ऊपर एनर्जी वाला है। और यही कल हम लोगों ने देखा था बच्चों कि ये टोटल डिस्टेंस तो कितना हो जाता है, 10 dq। ये हम बात कर रहे थे किसके लिए, डेल ओ से बताते हैं जिसको अपन, कि ऊपर वाला जो बताते हैं वो पॉजिटिव होता है तो कितना वैल्यू आ जाता है उसका, प्लस का 0.6, और नीचे वाला माइनस का 0.4। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है तो माइनस वैल्यू, ऊपर है तो वो प्लस वैल्यू। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे कल बच्चों। अब उसके बाद हम जो चल रहे हैं आज, अब हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बच्चों इनके सभी प्रॉपर्टीज़ इस टेबल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? जितने भी आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, डी1 से लेकर डी10 तक के इलेक्ट्रॉन फेल होते हैं। तो उसी के बेसिस पे, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों इस टेबल के थ्रू समझेंगे आज। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए कल हम लोग डिस्कस करके आए थे कि ये जो एनर्जी गैप होता है या स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करेंगे उसका वैल्यू कम होता है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर होने के बजाय वो ईजिली ऊपर भी चले जाते हैं। बात समझ गए? तीन इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर गैप ज़्यादा होता तो क्या होता, नीचे ही पेयर हो जाता। बात समझ में आई? दो केस है अपने पास। तो पहला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं वीक लिगेंड के लिए, जहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और यहाँ पे क्या है, पेयरिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बना ली, जिसमें सबसे पहले हमने क्या रखा है, कॉन्फ़िगरेशन, डी का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने दिखाया टी टू जी और ई जी, इन दोनों एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रखे जाएंगे वो भी आप लोगों को समझा देंगे। उसके बाद एन यहाँ पे क्या है बच्चों, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ तक पाँच है, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एन यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालेगा वो बता दिया। ये है मैग्नेटिक मूवमेंट, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, μ = nn+2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, म्यू से बताते बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हो उसको किससे बताते हो बच्चों, म्यू से बताते हो। mm शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की बात चल रही है। म्यू जो है यहाँ पे वो इससे बताते हैं अपन, तो μ = क्या होता है, n n+2, जहाँ पे n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n n+2 हो जाएगा ये। n यहाँ पे क्या है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्ट वाले में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो कैसे निकालोगे, वैल्यू रख दो 1,
वन प्लस टू, ठीक है, कितना हो जाएगा थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, लेकिन ये क्या है बच्चों अंडर रूट में, तो रूट थ्री आ गया यहाँ पे, और अपन जब इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाता है, वन पॉइंट समथिंग, वो हम लोगों ने लिख के देखा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बात की थी बच्चों, तो हम लोगों ने लिख के बताई थी, क्वेश्चन डिस्कस किया था इससे रिलेटेड एक, तो उसमें भी लिख के बताया था मैंने कि एक एक क्वेश्चन की जो होगा एक एक एलिमेंट के लिए आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे बताओगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कैसे निकाला, फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे निकालोगे, दो होंगे तो कैसे निकलेंगे, इस तरह फॉर्मूले पे रखते जाओगे इनका वैल्यू इस तरह निकलता जाएगा, बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोगों ने बताया स्पिन, स्पिन मतलब क्या हो गया उसका मूवमेंट, एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ स्पिन, दो है तो हाफ प्लस हाफ वन, तीन है तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ थ्री बाय टू, आज समझ गए। टू एस प्लस वन क्या है, स्पिन मोमेंट, स्पिन के मोमेंट की वजह से वैल्यू रखते हैं बच्चों, स्पिन का मोमेंट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है टू एस प्लस वन से, ठीक है, स्पिन मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के मोमेंट होने की वजह से किस तरह से उसमें मोमेंट क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के स्पिन से क्रिएट होने वाला मोमेंट को अपन स्पिन मोमेंटम से बताते हैं, इसको शॉर्ट में अपन एस एम भी लिखते हैं बच्चों, और यहाँ पे जो लिखा है इसका फॉर्मूला निकालने का होता है टू एस प्लस वन, ठीक है, स्पिन मोमेंटम निकाल रहे हो टू एस प्लस वन से, जहाँ पे एस क्या हो गया इसका स्पिन हो गया, स्पिन का वैल्यू रखोगे टू इंटू हाफ प्लस वन निकालोगे वैल्यू आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेचर, नेचर हम लोगों को पता है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक कब होता है जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो ये पैरामैग्नेटिक है सारे, क्योंकि सभी में लास्ट तक डी नाइन तक आप खुद देख सकते हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बात कर रहे थे बच्चों ये वाले सी एफ एस सी क्या है, कल समझाया था अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब डी ऑर्बिटल को तोड़ने वाली एनर्जी जो थी वो टोटल अपन ने बताया था, डेल से बताते बच्चों, तीन वालों के लिए कितनी बता दी थी अपन ने, तीन वाले नीचे के लिए हमने कितनी बताई थी 0.4 माइनस का 0.4, और ऊपर वालों के लिए हमने बताई थी कल 0.6, प्लस का ऊपर है तो प्लस का 0.6, नीचे है तो माइनस का 0.4, बात समझ में आ गई। मतलब जब आप टी टू जी के लिए निकालोगे तो आपका एनर्जी ये है, ई जी के लिए निकालते हो तो आपका एनर्जी ये है, और आपको एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करोगे बच्चों, आपको पता है लेवल की एनर्जी ये है, एनर्जी लेवल की एनर्जी ये है, तो अपन क्या करेंगे इसमें जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बात समझे कैसे होगा। आप देखो बच्चों यहाँ पे अपन आ जाते हैं वापस एक एक से स्टार्ट करते हैं, डी वन की हम बात करते हैं तो हमें पता है डी वन में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी में एक इलेक्ट्रॉन गया, अब एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों, टी टू जी में कि ई जी में, किस में जाएगा, टी टू जी में जाएगा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाला, क्यों भाई, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, वो देखो मैंने बना के बताया इसकी एनर्जी कम है ऊपर वाले की ज़्यादा है, सीधी बात है पहला इलेक्ट्रॉन यही जाएगा, ठीक है। अब इसके जाने की वजह से एन मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला अपन ने वैल्यू रख दिया, वो अभी ऊपर निकाला था वैल्यू रख के आंसर आ गया रूट थ्री, हाँ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बच्चों स्पिन बताएंगे अपन, एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन कितना होता है, प्लस हाफ, तो भाई हाफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका वैल्यू रखा यहाँ पे स्पिन मोमेंटम में, हाफ के लिए टू एस प्लस वन है बच्चों फॉर्मूला, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ स्पिन है, हाफ का वैल्यू रखोगे कैसे निकालोगे, टू इंटू हाफ और फिर प्लस का वन, क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट, वन प्लस वन कितना आंसर आ गया बच्चों, टू, समझ गए बात। अब उसके बाद हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर है, बात समझ गए। अब यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई किया आपने, टी टू लेवल के एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ईजी में इलेक्ट्रॉन है क्या, ईजी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, टी टू जी की एनर्जी जो होती है बच्चों वो होती है 0.4 माइनस में, और ईजी की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 0.6 प्लस में, ये हम पहले भी कल डिस्कस कर चुके थे अपने, तो आप लोगों को याद हो अपन ये क्या बोले थे, 0.4 होती है टी टू जी लेवल की एनर्जी और ई जी लेवल की एनर्जी होती है प्लस का 0.6, बात समझ गए। अब टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है इसी की एनर्जी से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसको एक इलेक्ट्रॉन है तो एक से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, कितना आएगा, माइनस 0.4, 0.4 बन जा 0.4, समझ गए बात। अब यही देख लो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने इसमें वैल्यू रखेंगे बच्चों आ जाएगा रूट का 8, रख के देख लो आंसर निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। आपको पता है स्पिन दो इलेक्ट्रॉनों से प्लस हाफ वन, अपोजिट थोड़ना है, प्लस हाफ वन हो जाएगा, ठीक है।
ये है ना दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस हाफ, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो माइनस हो जाता, तो प्लस हाफ वन हो गया। इस वन का वैल्यू जब इधर फॉर्मूले में रखा, टू वन सा टू प्लस वन थ्री, आ गया आंसर। सीधी सी बात है, पैरा मैग्नेटिक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा 0.4 इंटू टू, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हो गए अब T2G में, तो अब कितना आ जाएगा बच्चों आंसर 0.8, समझ गए। अब चलते हैं अपन थर्ड वाले पे, डी में तीन इलेक्ट्रॉन तो तीन इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, सेम वही कंडीशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू रखोगे अंडर रूट 15 आ जाएगा बच्चों, रख के देख लेना आंसर आ जाएगा। ये आपको पता है स्पिन तीनों का सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2, क्लियर। उसके बाद अपन ने देखा वैल्यू रख के देखिए, यहाँ पे स्पिन का वैल्यू रखा तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 4, आप रख के देख लो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक नेचर का है, पैरामैग्नेटिक के बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करते कितना आंसर आ जाएगा 1.2, 4 3 12 हो जाता है, पॉइंट लगा के 1.2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपन फोर्थ वाले पे। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, इसी पॉइंट पे आकर क्या हो जाता है, अपनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बात समझ में आई। अगर अपन यहाँ पे इनके एलिमेंट भी लिख दें ना बच्चों, ये देखो अगर आप लोग इसके एलिमेंट के साथ भी ध्यान रखो तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि वैनेडियम तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्रोमियम जैसे ही आया, क्रोमियम के आते ही परेशानियां बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या होता था, अपन ने बोला था पहले ही कंडीशन में बच्चों की वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ईजी में आराम से चला जाएगा, अगर पेयरिंग एनर्जी कम होती तो क्या करता पहले पेयर हो जाता, दो कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो रही थी। पहले अपन ने पहले ही इसको कैटेगराइज कर दिया कि भाई वीक फील्ड लिगेंड है, एनर्जी कम होगी, इसका मतलब ये क्या करेगा बच्चों अभी ईजी में जाएगा पेयर होने के बजाय, बात समझ में आ गई। ये चीज़ क्लियर हो गई, तीन इलेक्ट्रॉन तो भर चुके थे बच्चों, हाफ फिल्ड हो गया था, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया ईजी में गया, बात समझ गए। अब अपन ने क्या करा, कितने बताया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 4 के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट रख के निकाल लोगे √24 आ जाएगा, ठीक है कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों आंसर यही आएगा। उसके बाद अपन ने देखा 2 यहाँ पे रख लेंगे वैल्यू, वही स्पिन के लिए निकाल लोगे आप, स्पिन कितना आ रहा है 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है क्योंकि हाफ 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 सेम डायरेक्शन में है सब, तो प्लस जुड़ जाएंगे हाफ 2 हो जाएगा। 2 के बाद अपन यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल लेंगे 2 2 4 प्लस 1 5, ठीक है पैरामैग्नेटिक नेचर है क्योंकि चारों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद अपन आ गए यहाँ पे वैल्यूज के लिए बच्चों, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा होगा, प्लस इसका वैल्यू भी जुड़ जाएगा क्योंकि ईजी में भी गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है तो 4 3 तो माइनस का 2 था, देखो माइनस का 1.2 और प्लस का 0.6, कितना आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 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 0.6 हो जाएगा बच्चों, हाँ कि नहीं, ठीक है सही है ना, माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ा तो 1.2 है ना, ठीक है तो 6 1 6 है, हो गया बात। अब आते हैं बच्चों फिफ्थ वाले पे मैग्नीस, समझ में आई वो चीज़, डाउट तो नहीं हुई। अब बच्चों फिफ्थ वाले पे देख लो, मैग्नीस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, अब मैक्सिमम आ गई 35, वैल्यू रख के निकाल लिया √35 आ गया। अपन को पता है सारे एक डायरेक्शन में है, स्पिन कितना आ जाएगा 5/2, 5 बार है ना हाफ, तो 5/2 जोड़ोगे तो 5/2 आ जाएगा। उसके बाद हम इसका स्पिन मूवमेंट निकाल लेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया, वैल्यू रख के निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद देख लो डिवाइड हो जाएगा ना 5/2 इंटू 2 करके निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 + 1 कितना आ गया 6, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखना बच्चों ये चीज़, यहाँ पे क्या हुआ 0.4 × 3 0.6 × 2, दो इलेक्ट्रॉन के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे 4 3 माइनस का 1.2 और यहाँ पे प्लस का 1.2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई 0 हो गई, क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी 0 हो गई। क्यों 0 हो गई बच्चों खुद देखो, क्योंकि सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन वाला रूल फॉलो करते हैं तो वो रूल हमें क्या बताता है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड और वेकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब उनकी एनर्जी 0 होगी, ये रिलेट करो चीज़ें,
ठीक है। अपन क्या कहते हैं, कोई भी कंपाउंड, कोई भी अपन सिस्टम कहते हैं कि वो कब स्टेबल होता है, जब उसकी एनर्जी जीरो हो जाए, तभी तो हाईली स्टेबल होगा। और हम लोग पढ़ के आए पहले भी, अपन बेसिक रूल पढ़ के आए, हुंड का रूल याद है, हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल क्या कहता है बच्चों, हुंड का रूल आपने बेसिक में पढ़ा होगा, उसमें क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भरे जाएंगे उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में आएंगे, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो ये वाला हम कह सकते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड वाला जो सिस्टम है वो क्या करता है, हुंड के रूल को फॉलो करता है। बात समझ में आ गई, तो उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है। और वही रूल अपन ने वहाँ पे पढ़े थे कि जब हम बता रहे थे कि हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वेकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल होने का मतलब उनकी एनर्जी जीरो। कैसे जीरो हुई वो आपको देख के समझ में आ गया, वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है। सिक्स्थ वाले पे चलते हैं। अब सिक्स्थ कंडीशन में कंडीशन बदल गई इस वाले में, ठीक है। आयरन के साथ कंडीशन क्या बदल गई कि एक पेयर हो गया, पेयर होते ही इलेक्ट्रॉन घट गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चार रह गए, हाँ कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चार रह गए ना बच्चों, ये तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये चार रह गए तो ये वापस से 24 हो गया, रूट 24, यही वैल्यू ऊपर वाला वापस 2 आ गया, यही ऊपर वाला वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया, चार इलेक्ट्रॉन हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चार है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर तो होगा ही होगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पे वैल्यूज रखते जाओगे, ठीक है, कितनी हो गई यहाँ पे 4, क्योंकि इसमें T2G में चार इलेक्ट्रॉन हो गए इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे कितना निकाला अपन ने 12, वही दो इलेक्ट्रॉन ही है उसमें, है ना, तो उसके अंदर ये तो हो गया 1.2, और ये कितना आ जाएगा इसका 4 4 16, 1.6 माइनस का 1.2 माइनस का कितना आ गया 0.4, ठीक है। अब आ जाएंगे 7 वाले पे, T2G में कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, EG में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही बचे बच्चों, दिख रहा है साफ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए, वही रूट 15 आ जाएगा वैल्यू, वही ऊपर वाला ही हो जाएगा क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रहे हैं, अनपेयर्ड होने के बाद वापस से पेयर हो गए बच्चों, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट गए 1 2 3 4 5, उसके बाद वापस से 4 3 2 1 उल्टे चले, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पहले वाली आ जाएंगी भाई 3/2, यहाँ पर भी 4 आ गई, वो हम पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं, अपन को पता है कि अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, अब उसकी एनर्जी देख लो तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 4 5 से कितना हो गया माइनस का 2.0 माइनस सॉरी प्लस 1.2 कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 0.8 वैल्यू आ गया, इधर 0.4 था, इधर 0.8, इसके लिए 0 था, इसके लिए ये आ गया था वैल्यू, ये आप कैलकुलेट करते चले, समझ में आ गया वैल्यूज, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे, एर्थ वाले पे, एर्थ वाले में सारे पेयर्ड हो गए, अब दो ही अनपेयर्ड बचे हैं, जो किस में बचे हैं ईजी के अंदर बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 वैल्यू आ गया, यही 2 के लिए रूट 8 आता है ऊपर वाला वैल्यू, इसके लिए भी सेम वही वैल्यू लिख लोगे, 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यूज कैसे हो गए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 6 2.4, 2.4 में से वही 1.2 माइनस होगा तो वापस से 1.2 आ जाएगा, माइनस का 1.2 आ गया इसके लिए, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं अपन माइनस का 1.2, ये कैलकुलेट करके निकालोगे आप खुद ही निकाल सकते हो आराम से। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों, अब पेयरिंग कहाँ पे चालू हो गई, ईजी में चली गई, ईजी में पेयरिंग हुई, इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इसका रूट 3 आ जाएगा, स्पिन इसका हाफ हो जाएगा, और 2s+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, 1 के लिए कितना आ जाता है 2, 1 के लिए 2, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे देख लेंगे बच्चों, तो वैल्यू कितना आ गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 0.46 हो चुके थे उसमें, यहाँ पे 3 आ गए, 2.4 माइनस का 1.8, 0.6 माइनस का 0.6, वही वैल्यू वापस आ गई ऊपर वाली, ठीक है। अब लास्ट वाले में आ जाते हैं बच्चों, D10 वाले के अंदर आप देखोगे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, 0 होने से स्पिन मूवमेंट भी 0, मैग्नेटिक मूवमेंट सॉरी 0, स्पिन भी 0, पर स्पिन मूवमेंट का वैल्यू तो आएगा 1, क्यों, 2 × 0+1, 0+1 का 1, तो स्पिन कितना आ गया अपना 1 तो आएगा ही। अब अपन को पता है कि सारे पेयर्ड हो चुके, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होने के बाद अपन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कितनी हो गई बच्चों 2.4, माइनस का 2.4, और इधर क्या हो गया बच्चों प्लस का 2.4,
माइनस का 2.4 और प्लस का 2.4 मिलके कितना वैल्यू आ गया बच्चों, जीरो। मतलब अपन क्या कहते हैं, फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी जीरो होती है, इसका मतलब वो हाईली स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं वो अपन को सीएफएसई ने एक्सप्लेन कर दिया, क्रिस्टल फील्ड के अंदर इसकी थ्योरी जो बच्चों अपन ने पढ़ी सीएफटी, उसने हमें एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी एनर्जी जीरो क्यों हो जाती है। बात समझ में आ गई, ये पॉइंट क्लियर है, ये टेबल समझ में आ गई बच्चों अच्छे से। इससे हमें और अच्छे से समझ में आया कि कोई कंपाउंड जो होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे और एनर्जी उसकी किस तरह से कम या ज़्यादा होती है, वो अपन ने यहाँ पे देख लिया। अब अपन चलते हैं सेम टेबल पर, अपन आप किसके लिए लेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेबल देखेंगे हम लोग। अब आते बच्चों अपन दूसरे वाले केस पे, पहला वाला जो अपन ने किया था वो वीक फील्ड लिगेंड के लिए था। अब जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो अपन किसके लिए कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हम लोग क्या कहते हैं, जब स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है पेयरिंग एनर्जी की कंपैरिजन में। पेयरिंग एनर्जी मतलब आपकी कम है और जो चीज़ लोअर होती है वहाँ पे अपन क्या करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसकी एनर्जी कम है इसका मतलब पेयरिंग आप आसानी से कर सकते हो, और जो गैप है, एनर्जी गैप जो अपन ने बताया था उसका वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय क्या होता है, नीचे पेयर करना ज़्यादा स्टेबल समझता है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे थे जैसे पहले वाले केस में था बच्चों, वैसा का वैसा ही चल रहा है, पूरा पूरी एनर्जी आप देख सकते हो सेम वही आ रहा था जो यहाँ पे आ रहा था। पहले वाले के लिए कितना था, माइनस का 0.4, यहाँ पर भी सेम वही माइनस का 0.8, और यहाँ पे भी कितना था, माइनस का 1.2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फोर्थ वाले केस में चलते हैं बच्चों, तो अपन इस वाले में क्या कहते हैं, जब पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू कम है, T2G से EG में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, उसको एनर्जी गैप को इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए नीचे क्या हो जाता है बच्चों, पेयर हो जाता है, हाँ कि नहीं। जब अपन बात कर रहे थे किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में ना जाकर नीचे वाले में पेयर होना ज़्यादा पसंद करता है। और अपन क्या कहेंगे कि ये वाला जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला जो केस है, ये हुंट के रूल को फॉलो नहीं करता। बात समझ में आ गई बच्चों, हुंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, खाली ऑर्बिटल्स में जाने चाहिए, उसके बाद पेयर होने चाहिए। लेकिन अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये वाला रूल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या कहता है कि पहले पेयरिंग होगी, बाद में ये ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों जाएगा, क्या जाएगा, वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। बात समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं इसके अंदर, तो अब क्रोमियम में आप देखोगे, क्रोमियम में क्या हुआ, T2G के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, हाँ कि नहीं। अब इसके केस में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट गए, पहले तीन थे, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए आपके, दो। दो रहने से आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा √8। उसके बाद बात करेंगे हम दो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन कितना होता है, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, वन। के बाद अपन निकालेंगे इसका वैल्यू, स्पिन मोमेंटम निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 3। कैलकुलेट करके निकालोगे 3 वैल्यू आ जाएगा। तीन अपने को क्यों पता है, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा हो जाएगा कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक। अब अपन इसका निकाल लेंगे यही। अब आपको पता है बच्चों T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा, 0.4 से ही होगा, 0.4 से कैलकुलेशन होगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 1.6। बात समझ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले केस में अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, मैग्नीज के लिए। जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर बचा है, तो कितना हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। ठीक है, उसके बाद इसका मैग्नेटिक मोमेंट वही 1 के अकॉर्डिंग √3। √3 के बाद स्पिन हो गया हाफ, 2s+1 के लिए वैल्यू 2 आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कंपाउंड हो जाएगा बच्चों पैरामैग्नेटिक। और फिर यहाँ पे वैल्यू 0.5 से 5 इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2.0। बात समझ गए। अब नेक्स्ट वाले केस में भी देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, आयरन के केस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने से बच्चों क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0, इसका स्पिन भी 0। लेकिन अपन स्पिन मोमेंटम निकालते तो 1 आएगा, वैल्यू रखने के बाद 1 आ गया अपने पास, कंपाउंड क्या हो गया बच्चों आपका, डायमैग्नेटिक। वीक फील्ड की प्रेजेंस में, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में आयरन क्या था, पैरामैग्नेटिक था, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में क्या हो गया बच्चों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। बात समझ में आ गई। इसी की एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों इसके लिए, ये डायमैग्नेटिक यहाँ पे है ना, ये आगे पीछे हो रही है चीज़ें, ये कन्फ्यूज मत होना, ये देखो। बात समझ गए, डायमैग्नेटिक इसके लिए है, इसका वैल्यू अपन निकालेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2.4। क्लियर।
अब चलते हैं बच्चों, अब क्या होगा, अब पेयरिंग चालू होगी। जब नीचे वाले सारे पेयर हो चुके हैं, अब जाके ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे। तो सेवन्थ वाला जो सेवन्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, अब ईजी वाले में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, उससे रूट थ्री हो गया। रूट थ्री से वैल्यू हाफ आ गया, हाफ से आपको स्पिन का वैल्यू टू आ गया। ये कैसे आया वो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। उसके बाद हम बता देंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब इसके लिए एनर्जी निकालेंगे बच्चों, तो छः इलेक्ट्रॉन तो किसमें हो गए, टी टू जी के, और ई जी का एक इलेक्ट्रॉन जो अभी अभी आया है, तो ये क्या है, माइनस का 2.4 प्लस का 0.6 कितना आ जाएगा, -1.8, ठीक है। माइनस का इधर वैल्यू कितना आएगा बच्चों, -1.8, क्लियर। अब चलते हैं अपन इसमें नेक्स्ट वाले में, D8 के लिए, जहाँ पे क्या है आपका निकिल है। निकिल के अंदर आप देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन T2G में पहले जा चुके हैं। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो EG में दो हो गए, मतलब दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ गया, √8। स्पिन कितना हो गया, ½, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा स्पिन मोमेंटम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 वैल्यू रखने के बाद। और अपन देखेंगे कंपाउंड अपना क्या है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक से अब अपन वैल्यू निकाल लेंगे इनका, दो की वजह से कितना हो जाएगा, 2.4 प्लस माइनस का 2.4, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है प्लस का 1.2। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, -1.2। एनर्जी निकल गई इसकी। अब नेक्स्ट वाले के लिए देख लोगे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग चालू हो गई, ईजी वाले में भी इलेक्ट्रॉन पेयर होना चालू हो जाएगा। नाइन वाले के लिए एक इलेक्ट्रॉन बचा अनपेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसके लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, √3। √3 के बाद अपन देख लेंगे कि इसका स्पिन कितना आता है बच्चों, हाफ, ठीक है। हाफ के बाद इसका स्पिन मोमेंटम आ जाएगा 2, रख के निकाल लेंगे वैल्यू। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एनर्जी निकालोगे इसकी कितनी हो जाएगी, एनर्जी 2.4 माइनस 1.8 माइनस का 0.6, बात समझ गए। और उसके बाद बच्चों लास्ट में देखेंगे अपन D10 के लिए, तो D10 में 10 इलेक्ट्रॉन वही 0 है, सारी वैल्यू 0, स्पिन मोमेंटम 1 आ जाता है वैल्यू रखने के बाद। कंपाउंड आपका डायमैग्नेटिक है, और एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बात समझ में आई। किसी में भी एनर्जी 0 नहीं हुई, एनर्जी लास्ट में किस में 0 हुई थी, D10 वाले में 0 हुई है, क्योंकि वहाँ पर सारी एनर्जी जो है, सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फुल फील्ड वाला जो है वो हाईली स्टेबल होगा। पहले वाले में वीक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो रहा था बच्चों, दो बार अपन को मिल रहा था एनर्जी, जो मिल रही थी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो दो बार 0 थी, इसका मतलब कंपाउंड हाईली स्टेबल था। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में, जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले सारे अनपेयर्ड नहीं रहते, पेयरिंग पहले होती है उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे भरे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, फिर अपन को इस तरह का कंपाउंड, इस तरह की एनर्जी मिलती है। बात समझ में आ गई, समझ में आ गया आपको कंपाउंड किस तरीके से हुआ बच्चों। अब अपन चलते हैं आगे, तो आज अपना CFT कंप्लीट हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनता है, किस तरह से वीक फील्ड लिगेंड कंपाउंड बनेगा, और ये एनर्जी लेवल अपन ने देख लिया कि अपन किस तरीके से इसके अंदर कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, ये हमने किसके अंदर देखी थी, ऑक्टाहेड्रल सब्सटेंसेस के अंदर। अब आपको निकालना है टेट्राहेड्रल के लिए भी, तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ एक, आप करके लेके आओगे। जो चार्ट अभी आपने यहाँ पे बनाया ना, सेम यही आपको बनाना है किसके लिए, टेट्राहेड्रल कंपाउंड के लिए। लिख लो, टेट्राहेड्रल कंपाउंड के लिए आपको सेम यही दोनों चार्ट बना के लेके आने। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होगी बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखो, क्या होगा टेट्राहेड्रल के लिए, ये ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या बेसिक डिफरेंस है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल का आपको ध्यान है कि हम कहते थे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो 3 सेट नीचे जाते हैं, 2 सेट ऊपर जाते हैं। टेट्राहेड्रल में इसका क्या हो जाता है बच्चों, उल्टा, इसका उल्टा हो जाता है, 3 चले जाते हैं ऊपर और 2 चले जाते हैं नीचे। इसका मतलब उल्टा होने से क्या होगा, आपकी किस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, समझना। यहाँ पे अपन ने क्या बोला था, ये वैल्यू कितनी आ रही थी, प्लस का 0.6, ये था माइनस का 0.4, क्योंकि नीचे था तो माइनस, ऊपर वाला प्लस। अब जब उल्टा घूम जाएगा तो ऊपर वाला क्या हो गया, 0.4 प्लस में और माइनस 0.6, मतलब 0.6 आपका माइनस में, तो ये वैल्यू बदलेंगी, ये बात समझ गए, एनर्जी आपकी बदलेगी, आप एनर्जी का कैलकुलेशन करके लेके आओगे, बात समझ गए।
आप लोगों का होमवर्क है। अब सेम चार्ट जो अपन ने बनाया ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया बच्चों, ये वाला आपको टेट्राहेड्रल के लिए खुद को बना के लेके आना है। ये आप खुद का होमवर्क आप करके लेके आओगे, नोट करो, कल लाके मेरे को दिखाओगे सारे, ठीक है? इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप खुद लिख के देखोगे ना तो अपने हाथ से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको यही टेबल की। सीधी सी बात है, यस हाँ, टेट्राहेड्रल के लिए इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पहले T2G ऊपर चला गया, वो हाई एनर्जी का, ईजी वाला नीचे लोअर एनर्जी का, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन किस में फिल करोगे? पहले इसमें, बात समझे? पेयरिंग वाला जहाँ पे आएगा वीक फील्ड लिगेंड, तब तो आप उसमें सब में भर दोगे एक साथ, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ गया वहाँ पे पेयरिंग पहले इन दोनों में होगी, उसके बाद ऊपर वाले में जाएंगे, बात समझे? तभी तो टेट्रा का बनाने के लिए कह रहे हैं, ताकि आपका खुद का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आप खुद इसको बना के लेके आओगे। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो, पर आप लोग होमवर्क करोगे, इसको कल बना के लाओगे, मुझे दिखाओगे, आने से पहले चेक कर लूँगी मैं किस तरीके से करके लेके आया हूँ, ठीक है? अब चलते हैं अपन आगे बच्चों, मेटल कार्बोनिल पढ़ेंगे आज अपन। सॉरी, मेटल कार्बोनिल नहीं, आइसोमराइजेशन पढ़ेंगे अपन। ये समझ में आ गया ना CFT क्या होता है क्या नहीं है? आइसोमर्स का मैं चार्ट बना रही हूँ, तुम बना लो, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट आज खत्म करते हैं। आइसोमर्स खत्म होते ही मेटल कार्बोनिल पढ़ेंगे अपन, तो दो तीन लेक्चर में अपना कोऑर्डिनेशन खत्म। समझ में आ गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? एक बच्चों एक टॉपिक और बच रहा है इसके अंदर, 18 इलेक्ट्रॉन रूल मैंने कहा था ना, वो मैं करवाऊंगी, है ना? 18 इलेक्ट्रॉन रूल वो अपन कल करेंगे, ठीक है? आज अपन पहले आइसोमर्स कर लेते हैं, उसके बाद वो अपन ने पहले बीच में नहीं किया था कौन सा EAN, मैंने कहा था EAN के अंदर कई क्या होते हैं, कई कंपाउंड स्टेबल बताए, कई अनस्टेबल बताए, जबकि होते हैं वो स्टेबल, पर EAN रूल उसको अनस्टेबल कर देता है। तो सभी को स्टेबल करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल सबसे बढ़िया है। कैसे होता है वो कल अपन देखेंगे पूरा फॉर्मूले के साथ, ठीक है? अभी तो अपन आइसोमराइजेशन कर लेते हैं। ये मैंने क्या किया है, जगह नहीं थी ना मेरे पास, तो सेकंड वाले के एग्जांपल ऊपर लिखे हैं मैंने, है ना? वो समझा दूंगी मैं, समझाने के लिए समझाना क्या है वो तो मैं बताऊंगी तुमको, और बाकी मैंने एग्जांपल लिख के बता दिया ताकि अपने को ये फॉर्मूले में फिर कन्फ्यूजन नहीं हो ना। क्या इसके ये आयनाइजेशन सेकेंड वाला, सेकेंड हाइड्रेट वाला है ना, उसके दो एग्जाम्पल्स है, जैसे इसी के दो फॉर्म अभी बताती हूँ मैं क्या है ये, तुम अभी नोट कर लो। हाइड्रेट वाला तुम्हारे पास स्पेस है ना, तुम नीचे लिख लो, मेरे पास जगह नहीं थी मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आइसोमर्स के बारे में, आइसोमर्स होते क्या हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं बच्चों, आइसोमर्स वो होते हैं जिनके बारे में हम बात करें तो क्या कहते हैं कि जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़। मॉलिकुलर फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन इनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, बात समझ में आई? क्या चीज़ होती है आइसोमर्स, आप उन चीज़ों को कहोगे जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो ग्रुप उनसे अटैच हैं उन ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या होता है इनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं आइसोमर्स जो है बच्चों दो टाइप के होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर आइसोमर्स और दूसरा वाला क्या है बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होता है, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट आपको ग्रुप मिल जाएंगे। यहाँ पे अपन बात करते हैं स्टीरियो, मतलब उनकी क्या है पोजीशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है और स्टीरियो, समझ में आया बच्चों? स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे स्टीरियो मतलब इनकी पोजीशन कैसी है, 3D अरेंजमेंट कैसा है इनका मॉलिक्यूल्स का, उसके अकॉर्डिंग इनके आइसोमर्स बनते हैं, बात समझ गए? स्ट्रक्चर अपन ने कहा जिनका केमिकल लिंकेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड डिफरेंट होगा, मतलब इनके बीच में जो केमिकल लिंकेज होगा, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं आपस में, वो चीज़ अलग हो जाएगी बच्चों, और लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, बात समझ में आई? उसी के बेसिस पे स्ट्रक्चर आइसोमर्स को हम लोग कितने में डिवाइड करते हैं, पाँच में डिवाइड करते हैं बच्चों, पांच कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आयनाइजेशन वाला, आयनाइजेशन वाला अपन को समझ में आ रहा है जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों डिफरेंट आयन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आयन है ये क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग पोजीशन अपनी बदलते रहते हैं। एक बार क्या करेंगे प्राइमरी वैलेंसी में बदल जाएंगे, एक बार सेकेंडरी वैलेंसी बना लेंगे, बात समझ में आई? प्राइमरी कौन सी थी, ब्रैकेट के बाहर वाली, और सेकेंडरी अंदर वाली, बात समझ में आई? आयनाइजेशन वाले के अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं बच्चों, अपन कहेंगे जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो ग्रुप क्या करते हैं अपनी पोजीशन बदल के आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार तो ये क्या करेंगे, जैसे एक बार सल्फेट आयन मिल गया हमें इसमें, और एक बार हमें ब्रोमाइड आयन मिल जाएगा, बात समझ में है?
जब हम इनका आयनाइजेशन करेंगे बच्चों, तो एक बार तो ये सल्फेट आयन दे देंगे और एक बार ये ब्रोमाइड आयन दे देंगे। फॉर्मूला सेम है। अगर अपन इस कंपाउंड की बात करते हैं कोबाल्ट अमोनिया का, तो आप खुद देख सकते हो इसमें ब्रोमीन और सल्फेट दो आयन है आपके पास। अब इन दोनों में से एक बार तो हमें सल्फेट का टेस्ट मिलता है, इसका मतलब एक बार तो हमें रेड वॉयलेट वाला कंपाउंड मिलता है, दूसरी बार हमें ब्रोमीन का कंपाउंड, ब्रोमीन का टेस्ट मिलता है, इसका मतलब हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, रेड कलर का कंपाउंड मिलेगा। इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को कि फॉर्मूला तो बच्चों सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों ग्रुप क्या करते हैं, दोनों ग्रुप बार बार अपना टेस्ट देते हैं। एक बार हमें सल्फेट का टेस्ट मिलेगा, एक बार हमें ब्रोमीन का टेस्ट मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, जब इसको तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये अपने आयंस में टूटेगा और पूरी एंटिटी, पूरा कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेशन वाला, वो पूरा अलग हो जाएगा। तो ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो अलग, बाहर वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा। तो बाहर वाले का ही टेस्ट मिलता है हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेकिन इस वाले में जब ये आइसोमर है, मतलब एक से ज़्यादा टेस्ट देगा, तो एक बार ये सल्फेट का टेस्ट दे रहा है, एक बार ये ब्रोमीन का टेस्ट दे रहा है। ठीक है, 5 मिनट रुक जाओ, बस अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है ना इसके बाद। ठीक है, अभी 5 मिनट बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, ये समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, रेड वॉयलेट और रेड कलर मिल गया इसके अंदर। दूसरा अपन कह देते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं बच्चों जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल आपको अलग अलग मिलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हाइड्रेट आइसोमर्स आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं इसकी क्रोमियम वाले आयन की, क्रोमियम वाले के अंदर आप देखोगे क्रोमियम का क्या है, वाटर के साथ मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे आपको क्लोरीन कैसे दिख रहा है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी की फॉर्म में है। बात समझ में आई? तो ये तो क्या था, वॉयलेट कलर का था। फर्दर रिएक्शन करके इसने क्या करा, वाटर को हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब वाटर को डिफरेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर ले आया। ये जैसे क्रिस्टल में देखते हैं अपन डॉट H2O, मतलब इतने वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार तो क्या किया, ये तो किस में था, सेकेंडरी वैलेंसी में था वाटर, इसने क्या करा बच्चों, क्लोरीन को तो सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट कर दिया और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ ले आया। जब इस तरह के आइसोमर्स हमको मिलते हैं तो हम इनको हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला हुआ होता है। कहाँ पे, हाँ 2H2 हो जाएगा यहाँ पे, ये सही है, इसको सही कर लेना बच्चों, ये लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, ये 2H2 हो जाएंगे, दो हो गए ना, ये चार बाहर निकल गए। तो अभी अपन ने देखा 6 वाटर के मॉलिक्यूल थे, तब तक तो ये क्या था, सिंपल वॉयलेट कलर का अपने को कंपाउंड दिख रहा था। अब अपन ने देखा एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ गया, ये ग्रीन कलर का हो गया, दो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर आ गए, डार्क ग्रीन कलर का हो गया, कलर चेंज हो गया, मतलब कंपाउंड बदल गया, मतलब एक कंपाउंड के क्या हो गए, 2 से 3 फॉर्म हो गए। बात समझ में आई बच्चों, आइसोमर्स का मतलब समझ में आ गया ना, कि क्या हो सकता है, इनके क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज इनकी बदल जाएंगी। कैसे, जैसे अपन कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर अपन बात करें A2B2 तो वही रहेगा, A के नंबर भी 2, B के नंबर भी 2, लेकिन क्या होगा, इनकी पोजीशन बदलती रहेगी, या तो कैसे जुड़ जाएं AA BB, या फिर कैसे जुड़ सकते हैं AB AB, हो गए ना दो पोजीशन अपने पास, दो कंडीशन, तो ये इसके आइसोमर्स कहलाएंगे। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, हाइड्रेट वाले के अंदर अगर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर है, इसका मतलब वो हाइड्रेट आइसोमर्स कहलाएगा। बात समझ गए बच्चों। थर्ड वाले की बात करते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। कोऑर्डिनेट आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं बच्चों जिसके अंदर पूरा स्क्वायर ब्रैकेट ही कैटायन एनायन की तरह बिहेव करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम क्या पढ़ के आए थे कि क्या होता है, आपके पास एनायन या कैटायन तो बाहर होगा, वो स्फेयर की फॉर्म में होगा और आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर अलग होगा। बात समझ गए? लेकिन यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड आते हैं जिसमें एक तो कैटायन की तरह बिहेव करता है बच्चों और एक एनायन की तरह बिहेव करता है। पूरा क्या कह रहे हैं अपन, आप कहोगे कि पूरा ब्रैकेट जो है वो पूरा कंपाउंड ही कैटायन एनायन की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आई? तो ये दोनों क्या रहेंगे बच्चों, एक साथ रहते हैं। अपन ने देखा था एक एग्जांपल न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी देखा था, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आई थी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ यहाँ पे क्रोमियम है। अब ये क्या होगा बच्चों, ये अपनी जगह बदलते रहेंगे। अब क्या हो गया, क्रोमियम इसकी जगह पे आ गया, कोबाल्ट इसकी जगह पे चला गया। तो इस तरह के आइसोमर्स जिसमें क्या हो रहा है, ये मेटल अपनी जगह बदल रहा है लेकिन इनके साथ बॉन्ड बनाता है, तो जगह बदल के एक बार इसके साथ हो रहा है तो एक बार दूसरी बार इसके यहाँ पे आ गया, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, तो अपन इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। वाह, समझ में आ गई बच्चों, कोई डाउट? अब चलते हैं फोर्थ वाले पे, लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स में आप खुद देखो, लिंकेज का मतलब बच्चों अगर अपन रिलेट करें तो अपन इसको एम्बिडेंटेड लिगेंड से रिलेट कर सकते हैं। लिंकेज आइसोमर्स में आप देखो, ये जो लिगेंड है यहाँ पे जुड़ा हुआ, ये NO2 ग्रुप की अगर बात करोगे तो NO2 ग्रुप में आप देखो कि यहाँ पे एक बार तो किससे जुड़ रहा है, ये सीधा N जुड़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है ऑक्सीजन से भी जुड़ रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों से हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड हो गए, एक बार यहाँ से जुड़ रहा है, एक बार यहाँ से जुड़ रहा है, क्लियर? ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अपन ने इसको क्या बोला, लिंकेज को अपन किससे बता सकते हैं, एम्बिडेटेड लिगेंड से बता सकते हैं, हाँ कि नहीं, क्लियर हो गए बच्चों। अब उसके बाद लास्ट वाला हम बात करते हैं लिगेंड की।
लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड आप लोग देखोगे तो लिगेंड के अंदर आप देखो इनकी पोजीशन बदल रही है बच्चों। लिगेंड जो है, लिगेंड का स्ट्रक्चर बदल गया, बात समझे। स्ट्रक्चर आइसोमर्स में, लिगेंड आइसोमर्स की बात करते तो लिगेंड में आप खुद देखो लिगेंड बदल गई है, क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बार अमोनिया की पोजीशन यहाँ है, दूसरी बार अमोनिया की पोजीशन आगे वाले कंपाउंड पे आ गई। इनके स्ट्रक्चर बदलते ही लिगेंड का स्ट्रक्चर बदल गया, तो ये वाला आइसोमर लिगेंड आइसोमर्स कहलाएगा। इतना क्लियर है बच्चों, 5 अपने क्लियर हो गए। तो उसके बाद आते हैं अपन स्टीरियो आइसोमर्स पे। स्टीरियो आइसोमर्स भी दो टाइप के मिलेंगे बच्चों, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल होगा। ज्योमेट्रिकल की बात कर लेते हैं तो आपने पढ़ा है सिसोट्रांस, जानते ही हो, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आ जाएगा। और दूसरा लास्ट वाला जो है बच्चों ऑप्टिकल वाला, उसमें अपन कहते हैं लीवो और डेक्स्ट्रो मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि प्लेन लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाते हैं। अगर वो लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाते हैं तो लीवो रोटेटरी, अगर वो राइट डायरेक्शन में घुमाते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बात समझ में आ गई। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को बच्चों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाता है तो लीवो रोटेटरी, और राइट डायरेक्शन में घुमाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है। तो ये अपने आइसोमर्स खत्म हो गए। कोई डाउट होता है तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।